हाई एवरी वन, आई एम प्रियंका दिस साइड। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाने वाले हैं पिज्ज़ा विदाउट ईस्ट और विदाउट ओवन। हम कढ़ाई में बनाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स डू चेक आउट द रेसिपी। इसके लिए मैंने 180 ग्राम मैदा लिया है। इसमें डालेंगे 1.5 टी स्पून पाउडर शुगर, 1 टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टी स्पून बेकिंग सोडा एंड 1/2 टी स्पून सॉल्ट। इन सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच दही। दही रूम टेम्परेचर का लेना है आपको और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल लेते हैं। पानी भी रूम टेम्परेचर का ही है, एकदम मीडियम वाटर है, गर्म पानी नहीं लेना है आपको। और जब आप इसको लगाना शुरू करेंगे तो एक स्टेज पर ये बहुत स्टिकी स्टिकी सा लगेगा आपके हाथ में। तो 2 मिनट तक आपको इसको नीट करना है। देन इसके बाद आप हाथ को अच्छे से वॉश कर लीजिए और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालिए और फिर इसको नीट करना शुरू कीजिए और ये इस टाइम पे अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। तो हमारा जो डो है बहुत ही अच्छे तरीके से लग के रेडी हो गया। इसका डो इसी तरीके का होना चाहिए। डो को हम रख देंगे 5 मिनट के लिए साइड, तब तक आप वेजीज कट कर सकते हैं। देन इसके बाद हम क्या करेंगे कि जिस भी प्लेट में आपको पिज्ज़ा बेक करना है उसे ग्रीस कर लीजिए। मैंने यहाँ पे ये जाली वाला प्लेट लिया है जिससे अच्छे से पिज्ज़ा बेक हो सके। तो इसे ग्रीस कर लेंगे बटर या ऑयल से। देन प्लेटफॉर्म पर आप थोड़ा सा मैदा डस्ट करें और हाथों से ही पिज्ज़ा का जो बेस है उसे हम इस तरह से फैलाएँगे, या आप रोलिंग पिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से फैलाने के बाद इसकी जो थिकनेस है वो इतनी ही रखनी है आपको, बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। देन इसको ट्रांसफ़र कर देंगे जिस भी प्लेट में हमको बेक करना है और इस तरह से आप इसके साइड्स को थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। देन हम फोक की हेल्प से इसमें होल्स बनाएंगे ताकि ये फूले ना और अच्छे से बेक हो सके। इसके ऊपर अब डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे ढेर सारा चीज़ और टॉपिंग्स करेंगे वेजीज़ की। तो वेजीज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जो भी वेजीज़ अच्छी लगती है। अनियन कैप्सिकम डाल सकते हैं, टमाटो डाल सकते हैं, कॉर्न भी डाल सकते हैं, ऑलिव डाल सकते हैं, बहुत सारी वेजीज़ डाल सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। देन सब्जियाँ डालने के बाद इसके ऊपर से हम ढेर सारा चीज़ डाल देंगे और ये हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो गया है बेक करने के लिए। उससे पहले हम इसके साइड्स पे थोड़ा सा बटर लगा देंगे ताकि ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो सके साइड से, और इसके ऊपर आप चिली फ्लेक्स या मिक्स हर्ब्स डाल दें। देन अब हम कढ़ाई को प्रीहीट मैंने करके रखा था 10 मिनट के लिए और इसे हम बेक करेंगे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। तो कढ़ाई में इसे बेक होने में 20 से 25 मिनट लग जाएगा आराम से। और इस टाइम पे आप देख सकते हैं इसे 20-25 मिनट हो गया है, चीज़ जो है वो पूरी तरह से मेल्ट हो गई है, क्रस्ट जो है वो अलग ही गोल्डन ब्राउन दिख रहा है, मतलब ये बहुत अच्छे से पक चुका है। एक बार हम इसको चेक कर लेंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे और इसके ऊपर आप थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा मिक्स अप डाल दीजिए। तो ये डिलीशियस यम्मी पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको आप कट कर लीजिए और गरम गरम इन्जॉय कीजिए। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही सिंपल है, विदाउट ईस्ट आप फटाफट से इंस्टेंट पिज़्ज़ा बना सकते हैं घर पे। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक करना ताकि मैं जब भी कोई रेसिपी पोस्ट करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।